Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. कर्मकांड में अभ्यास माने रोज उठ करके वही चीजें स्नान करना, संध्या करना, जप करना, तर्पण करना, अघमर्षण करना, ये रोज करते रहे उसको कहेंगे अभ्यास। अभ्यास माने उसी चीज को दोहराना, ये समझ में आ जाता है। फिर जप का अभ्यास माने रोज अपनी माला लेना और भगवान का नाम रटते रहना, और जो तीसरी बात है योग का अभ्यास माने क्या, सुबह उठ करके अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करते रहना, योग अभ्यास। भक्ति का अभ्यास माने क्या, घंटी बजाना, भगवान को फूल पानी चढ़ाना और कहना कि भगवान आपको छोड़ के हमको सब चाहिए। प्रार्थना यदि हमारी कुछ है एक वाक्य में तो यही प्रार्थना है, भगवान आपको छोड़ के हमको सब चाहिए। इसीलिए हमारे सभी भगवान के चेहरे पर स्माइल होती है कि मालूम है क्या मांगने आया है। और ज्ञान का अभ्यास माने क्या, अब यहां आ गए हम, ज्ञान का अभ्यास माने क्या, तो ये ज्ञान का अभ्यास यहां बताते हैं। कहते हैं ज्ञेय वस्तु परित्यागा ज्ञानं तिष्ठति केवलं त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते। जब हमारे ज्ञान की त्रिपुटी क्षीण हो जाती है, त्रिपुटी का क्षीण होना माने हर एक अनुभूति में तीन बातें होती है, ज्ञान की वस्तु, वस्तु का ज्ञान और इसको जानने वाला ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों को मिला करके हम इस मानसिक स्तर पर इस जगत में फंस जाते हैं। अब इसमें से हमको ज्ञान को ढूंढ के निकालना है। हमिंग आ रहा है, देखो भाई मुझे तो नहीं आ रहा, ठीक है अभी सबको सुनने को आ रहा है, नहीं क्यों महात्मा जी आवाज और बढ़ाओ, अब ठीक है, मैंने चिल्लाया इसलिए इन्होंने नहीं कुछ किया है, आवाज बढ़ाओ और बढ़ाओ। हाँ अच्छा, अब हम हमारा ये जो मानसिक ज्ञान है, मानसिक ज्ञान माने मन के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को मानसिक ज्ञान कहते हैं। देखो तो यह जो मानसिक ज्ञान है इसको हमको शुद्ध करना है। देखो तो ज्ञान की शुद्धि क्या होगी, दो चीजों का त्याग करना है, ज्ञेय वस्तु परित्यागात माने वह ज्ञान जहां ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों निर्माण नहीं होते। देखो और ये कौन सा ज्ञान है, अपना जो होना है कि हम है, इसमें मैं अपने को जानता हूं, यह भाव निर्माण नहीं होता, क्योंकि मैं जानने वाला और मैं जाना गया ये दो अलग अलग थोड़ी है। तो यहां केवल ज्ञान है, इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद नहीं है, इसीलिए ज्ञेय वस्तु परित्यागात, तो जहां हमने इस जगत के विषय वस्तुओं का त्याग कर दिया तो वहां जानने के लिए कोई है नहीं, तो जानने वाला भी नहीं होगा। देखो इसका आपको अभ्यास करना है तो आप घर चले जाओ लेक्चर के बाद, रात के समय जब अपने कमरे में होगे एकदम अंधकार कर लेना और आंखों को खुला रखना, बंद मत करना। तो आंखें खुली है तो क्या हो रहा है, देखना शुरू हो गया क्योंकि आंखें देख रही है, लेकिन अंधकार होने से कुछ दिखता नहीं, क्योंकि कुछ दिखने को नहीं है इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो वो अनुभव क्या है, देखना हो रहा है
लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। यह जो ज्ञान जिसमें ज्ञेय और ज्ञाता इन दोनों का अभाव है, वो अपना स्वरूप है। कानों से हम शब्द सुनते हैं, लेकिन हमको शांति का शब्द के अभाव का भी अनुभव होता है। तो जब हम शब्द के अभाव को विषय बनाते हैं, माने विषय है ही नहीं, तो जब शब्द नहीं होगा तो सुनने वाला कहां होगा? तो जहां शब्द और सुनने वाला इन दोनों का अभाव हो गया, फिर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं, वो अपना स्वरूप है। इसलिए ये जो उदासीन की बात आती है ना शास्त्रों में, इस साक्षी भाव के चक्कर में मत पड़ना। हमने बहुत धक्के खाए उसमें, कुछ नहीं होता। उसके स्थान पर उदासीन रहने का अभ्यास करें। उदासीन रहना माने क्या? जैसे अभी आप हो, हम बोले जा रहे, सुन थोड़ी रहे, क्योंकि श्रोता और श्राव्य दोनों नहीं है। इन दोनों के अभाव में जो है वो परमात्मा है। ये उदासीनता बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी है। आप देखो दुनिया में आप जब घूमते हो तब ये सब दिखने को मिलता है। दो आदमी बोल रहे हैं किसी विषय पर, तीसरा आदमी आके टपकता है, हाँ किसके बारे में बोल रहे थे, कौन कौन, अब आपको क्या जरूरत है? आपकी आवश्यकता होगी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन हमको बीच में जाकर के मुंह मारना और पूछना इतना आवश्यक है कि उसके सिवा जीवन असंभव है। आप देखो ये रोज अपने घरों में होता है, देखो, और विशेष करके वयस्क लोगों में ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनको हर चीज जानने की जरूरत होती है। अब जवान लड़के लड़कियां क्या करने थे ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है? किसके बारे में बात कर रहे थे? आपके बारे में। देखो ये जो स्वभाव है ना अपना, हर चीज में इन्वॉल्व होने का, यही संसार शुरू कर देता है। और फिर देखो लोग घर में काम करते बताते भी नहीं हम जिंदा है कि मरे हैं। अब जिंदा है तो ये हाल है, मरने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, हो गए दुखी। हमको क्या लेना देना है किससे? देखो इतना सहज बन जाता है आध्यात्मिक जीवन। तो ज्ञेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम, तब हम अपने शुद्ध ज्ञान में निष्ठावान हो जाएंगे। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकं अज्ञानं भ्रममित्याहुर्विज्ञानं परमं पदम्। अब हमारा डिसेक्शन हो रहा है। कहते हैं मनोमात्रमिदं सर्वं, यह संपूर्ण विश्व जो है केवल अपना मन मात्र है। देखो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है वही हमारे लिए होती है। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कितनी सरल बात है। जैसे पहले हम न्यूज देखते थे, आजकल नहीं देखते। तो न्यूज सुन ली तो वो जो दुनिया भर की गंदगी है दिमाग में घुस गई, और फिर भगवान का नाम लेने के स्थान पर वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। ये कंपनी, ये पार्टी ऐसे, वो पार्टी ऐसे, ये क्या करना है आपको? आपके विक्षेप होने से कोई फर्क पड़ने वाला है? देखो इसीलिए पहली बात यह है कि ये संपूर्ण जगत तभी तक है जब इसको हमने मन में प्रवेश दिया है। अब गहरी नींद में देखो, गहरी नींद में हमने अपने मन को लपेट करके सिरहाने में लेकर के सो जाते हैं, तो इसीलिए गहरी नींद में हमारा देह भी हमारे लिए नहीं है, हमारा मन भी हमारे लिए नहीं है, तो कुछ भी नहीं है वहां, तो केवल अभाव मात्र है। इसीलिए संपूर्ण जो दुनिया है ना केवल मन मात्र है। देखो
और इसीलिए रैदास जी महाराज कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन विक्षेपित हो और आपके सामने बड़े पंच पकवान को परोस दिया हो, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मन ठीक नहीं है। और मन यदि ठीक है तो टिश्यू पेपर की सैंडविच भी टेस्टी लगती है। देखो, इसीलिए जितनी साधना है अपने इस मन को ठिकाने पर रखने की है। दुनिया में कुछ भी हो जाए अपने मन को मत खराब करना। इसी मन के द्वारा ही पूरा जीवन चलता है। मनोमात्रमिदं सर्वं चिन मनो ज्ञान मात्रकम्। और ये मन क्या है? मन है चैतन्य मात्र। चैतन्य कब होता है? मन ध्यान से सुनना, मन का चैतन्यीकरण माने गॉड रियलाइजेशन। पति का आदमीकरण माने मोक्ष। अब पति का आदमीकरण कैसे होगा? पहली बार होगा ही नहीं। क्यों? कि वो ऑलरेडी आदमी है। फिर प्रॉब्लम कहां थी? वो पति बना था और पति बनने के बाद इस पतित्व को उसने सत्य माना था और अपना जो स्वरूप है आदमी उसको भूल गया था। देखो, इसीलिए मन चैतन्य मात्र है। यदि हमने अपने मन से विषय वस्तुओं को हटा दिया तो विषय वस्तु रहित मन, जी कृष्णमूर्ति के शब्दों में ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, तो कहते हैं चिन मनो ज्ञान मात्रकम्, तो केवल ज्ञान रहेगा। इस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय का भेद द्वैत नहीं होगा। अज्ञानम भ्रममित्याहुः। और अज्ञान का तात्पर्य है भ्रम, उसका अर्थ है ज्ञान की अपूर्णता। जब ज्ञान नहीं हो तो आदमी को दुख नहीं होता। देखो, ज्ञान में अपूर्णता हो तब दुख होता है। देखो, आपको पता चला कि किसी का कुछ तो विवाह गड़बड़ी होगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और पता नहीं वहां हमारे बच्चे गए थे, क्या है क्या नहीं, विक्षेप मालूम ही नहीं, कुछ तो आनंद है। और फिर पता चला नहीं अपने बच्चे उस दिन गए नहीं थे, हाँ फिर ठीक है। तो ज्ञान की जो अपूर्णता है वही हमको दुख देती है। तो अज्ञानम भ्रममित्याहु, इसी को भ्रम कहते हैं। विज्ञानम परमम पदम। विज्ञान माने अपने ज्ञान में अनुभूति रूप से प्रतिष्ठित होना। ज्ञान क्या है? ज्ञान है क्रोध जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें प्रतिष्ठा करना, जीवन में गुस्सा हमेशा के लिए निकल गया। देह ना तो हमने बनाया है ना हमारा है, हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए देह के संदर्भ से जितने रिश्ते नाते और जितना संग्रह है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, यह ज्ञान है। इसमें निष्ठावान होकर के रहना, यही विज्ञान है। तो जो हम पढ़ते हैं शास्त्रों में वो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद हमको कन्विक्शन मिलता है। कन्विक्शन होने के पश्चात उसको हम अनुभूत कर सकते हैं, उसकी सिवा नहीं कर सकते। देखो, इस क्षण हम सब में एक कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन यह है कि मैं देह हूं। किसी भी आदमी ने आज तक ये वाक्य नहीं कहा कि मैं देह हूं, लेकिन पूरा हमारा जो व्यवहार चलता है इसी दृढ़ संकल्प के साथ। जैसे मुझे बोलना हो तो मैं ऐसे कहूंगा, क्या मैं जा रही हूं? मैं कहूंगा मैं जा रहा हूं, क्यों? कि मैं देह हूं, पुरुष हूं। तो जितना हमारा व्यवहार है जगत में वो केवल देहात्म भाव से ही होता है। जहां देहात्म भाव सभी दुखों की जड़ है, ये बात दृढ़ हो जाएगी, उसके बाद साधना यही होगी, देहात्म भाव की निवृत्ति। इस प्रकार से विज्ञानम परमम पदम। अब और आगे बताते हैं, ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं हम।
अज्ञानम चान्यथा ज्ञानम माया मेताम वदन्ति ते ईश्वरम माइनम विद्यात मायातीतम निरंजनम। तो पहले अविद्या ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को लेकर के जो उपाधि बताई, अब ईश्वर को लेकर भी उपाधि बता दे। अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम, अज्ञानम माने अन्यथा ज्ञानम, दो हो गए, एक अपूर्ण ज्ञान एक अन्य अन्यथा ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान क्या है, यह देह मैं हूं, ये देह मैं नहीं हूं। अब कौन से हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि ये देह मैं हूं वो देह मैं नहीं हूं, कोई मतलब ही नहीं इसमें, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं। देखो तो पहले अज्ञान का अर्थ अपूर्ण ज्ञान, जिसके कारण भ्रम होता है, और इस भ्रम के कारण अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम, और फिर हम अपने आप को जो नहीं है वो समझने लग जाते हैं। देखो ये दो शब्द है, एक है अपना अपूर्ण ज्ञान और दूसरा अपना अन्यथा ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान कि मैं हूं लेकिन मैं देह मात्र हूं, अपूर्ण ज्ञान, और अन्यथा ज्ञान मैं देह हूं यही सत्य है बाकी सब गलत है। इस प्रकार से अज्ञानम च अन्यथा ज्ञानम माया मेताम वदन्ति ते, तो जो ज्ञानी लोग हैं इसी को माया कहते हैं। देखो ये माया को लेकर के बड़ी गड़बड़ी चलती है। माया का तात्पर्य ऐसा है, जैसे हम अपने आंखों से एक लाइट वेव्स का स्पेक्ट्रम मात्र देख सकते हैं, उसके परे हमारी आंखें लाइट वेव्स को पकड़ नहीं सकती। इधर से है वायलेट, इधर से है रेड, तो ये जो विब्योर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेव्स है इसके परे हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। और यदि हम ये कहें कि जो मुझे आंखों से देखने को मिलता है वही सत्य है, यदि आंखों से नहीं दिखता तो वो असत्य है, इसी को माया कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक्सरे बीटा रे जीटा रे ये नहीं है क्योंकि हमारे आंखों से नहीं दिखता। तो जो इंद्रिय और मन इनके माध्यम से उपलब्ध ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रभाव में आकर के जीना, इसी को कहते हैं माया का संसार। तो माया मेता मदन्ति ते और ईश्वरम माइनम विद्यान, और जो इस माया को अपने स्वाधीन रखता है उसको ईश्वर कहते हैं। देखो और ठीक से समझ लेना, हम अपने इंद्रियों के जब गुलाम होते हैं तो जीव है, जब हम अपने इंद्रियों के मालिक हैं तो हम ईश्वर हैं। कितनी सिंपल बात है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयो अन्यहा पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यहा अभिचा कशीति। उपनिषद में आता है एक ही पेड़ के डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक उस पेड़ के फल खा के सुखी दुखी होता है, दूसरा कोई भी फल नहीं खाता इसीलिए अपने मस्ती में रहता है। ये दो पक्षी कौन है, एक है जीव दूसरा है ईश्वर। तो जीवन में आने वाले दुख के द्वारा प्रभावित होकर के दुखी होना ये जीव है, जीवन में आने वाले दुख को प्रकाशित करना लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना ये ईश्वर है। अब कहां ढूंढोगे ईश्वर को बताओ, 24 घंटे हमारे साथ है, नहीं हम ही ईश्वर है। यदि हमने अपने इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ संभव है। देखो हमारी सबकी समस्या यही है, ना तो हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, ना मन पर ना बुद्धि पर, उसी में फंसे हैं। इससे परे निकल करके अपने स्वरूप में निष्ठा करना यही अध्यात्म है, नहीं तो कंप्लेन के सिवा और कुछ नहीं रहेगा जीवन में। और मायातीतम निरंजनम, और जो अपना स्वरूप है उसमें जीव जगत ईश्वर इन तीनों का संपूर्ण अभाव है। देखो
ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे ये हमारे कैमरे का जो ट्राइपॉड है, ये तीन पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक पैर को खींचो तो दूसरे अपने आप आ जाएंगे। जीव जगत ईश्वर ये तीनों माया के कारण प्रतीत होते हैं, लेकिन है नहीं, इसको ऐसा समझो। आजकल क्रिकेट के मैच चल रही है ना, क्रिकेट के मैच में क्या क्या होता है, एक तो बैटिंग टीम होती है, दूसरी फील्डिंग की होती है, बॉलिंग करती है, तीसरा अंपायर होता है और चौथा ग्राउंड होता है, चार बातें। अब ये बैटिंग टीम जो है उसने ये निर्णय ले लिया, नहीं रे बाबा हम नहीं खेलेंगे, इनके बॉलर बड़े खतरनाक है, वो मारते हैं, इसीलिए नहीं खेलेंगे, हमने वॉक ओवर दे दिया। यदि बैटिंग करने वाले टीम ने वॉक ओवर दे दिया, वो ग्राउंड से निकल गए, तो फील्डिंग करने वाली टीम वहां रहेगी क्या? थिंक। अच्छा, ये दोनों टीमें चली गई तो वहां अंपायर रहेगा, मूंगफली खाएगा? ये तीनों निकल गए तो ग्राउंड को कुछ हानि है क्या? यही सब पूरा जीवन का रहस्य है। ये जो ग्राउंड है, मायातीतम निरंजनम, यह जो ग्राउंड है यही संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है, और इस विश्व के अधिष्ठान पर तीन उपाधियां चढ़ा दी गई है। एक उपाधि है नाम रूप की, उसको जगत कहा। दूसरी उपाधि है पंचकोशों की, उसको जीव कहा। तीसरी उपाधि है माया की, उसको ईश्वर कहा। तो एक ही परमात्मा तीन उपाधियों के कारण तीन प्रकार से प्रकट हो गया। तो हमारी उपाधि जीव की है, दुनिया की उपाधि नाम रूप की है, और ईश्वर की उपाधि माया की है। अभी तीनों में हमारा अधिकार किस पर है? मैं अपने शर्ट को उतार सकता हूं, किसी अन्य के शर्ट को थोड़ी उतार सकता हूं। तो मुझे साधना करनी है अपने में, अपने आप को पंचकोशों से मुक्त कर ले। जब हमारा जीव भाव समाप्त हो जाएगा तो जगत और ईश्वर इनकी कोई सत्ता नहीं है। देखो संतो, इसलिए जितनी साधना है वो यही है, अपना देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इससे जब तक के निकलेंगे नहीं तब तक के आप कुछ भी करते रहो, यह अपना जो मायातीतम निरंजनम तत्व है उसका दर्शन नहीं होगा। अगले दो श्लोक में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। सदानंदे चिदाकाशे माया मेघस्तडिन मनः अहंता गर्जनम तत्र धारा सारो ही यत्तमः महामोहांधकारेस्मिन् देहो देवो वर्षति लीलया अस्या वृष्टिर्विरामायम् प्रबोधैक समीरणः। सदानंदे चिदाकाशे, ये सच्चिदानंद आकाश जो है इसमें माया के मेघ बादल मंडरा रहे हैं, और उसमें मन की बिजली कड़क रही है, और जैसे बिजली कड़की उसी समय अहंता गर्जनम तत्र, वहां मैं की गर्जना हो रही है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और उसके कारण धारा सारो ही यत्तमः, उसके पश्चात ये मय के बाद चारों तरफ अंधकार की वृष्टि हो रही है, जोर से वृष्टि हो रही है, यही अज्ञान की मैं कर रहा हूं, और उसके कारण महामोहांधकारेस्मिन् देवो वर्षति लीलया। अब जब ये अंधकार का तमाशा चल रहा है, उस समय भगवान की लीला जारी है। मजा आया, इसको एक वैक्सीन का डोज दे दिया है, अब देखते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है। ये जो चित्र हमने आपको बताया, इस पर चिंतन करो। 10 केजेस है, उसमें इनब्रेड माइस स्ट्रेन्स है, और एक ही दवा है, और उस दवा के डोज का टाइटल फिक्स करना है। तो इसके लिए हर एक केज में दो दो सैंपल लेकर के उनको दवाई दी और ऑब्जर्वेशन ले लिए। उसके पश्चात वो रिसर्च वर्कर आकर के देखता है किसके क्या ऑब्जर्वेशन है, ये रिसर्च वर्कर की दृष्टि, और जो अंदर चूहे उनकी दृष्टि, तू तू मैं 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 तू तू।
इसी प्रकार से परमात्मा क्या कर रहा है, तुमको क्या डिस्टर्ब हो रहा है यार, इको आ ही नहीं सकता, आवाज ही नहीं आ रही, इको कहां से आएगा। अब ठीक है, अब मेरी आवाज ये फटे बांस के जैसी, क्या करूं, आपके जैसे मैं कोकिल स्वर वाला नहीं हूं, ठीक है। अभी नहीं ये तो मत सुनो, सो जाओ। तुमको आज क्या मूड खराब हो गया तुम्हारा, बीबी ने डांटा है क्या तुमको? अब ठीक है, अभी मुझे इको आ रहा है, इको जीरो कर दो, ब्रास को जीरो कर दो। हाँ, महामोहांधकारेस्मिन् देवो वर्षति लीलया। मजा नहीं आया, फोन बंद कर दो रे बाबा, जिनको फोन बंद करना नहीं आता बाहर कूड़े में फेंक दो। इस अंधकार में कौन सा अंधकार है, मैं यही अंधकार है। इसमें देवो वर्षति लीलया, ये भगवान की लीला चल रही है। देखो, आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, कोई भी समस्या रहे, वो समाधान ये है, ये सब राम लीला कृष्ण लीला चल रही है। और लीला में हर कैरेक्टर की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। आप लोगों ने रामायण भले ना पढ़ा हो, शोले जरूर देखा है। अब शोले में से गब्बर सिंह को निकाल डालो, कोई मजा आएगा? इसी प्रकार से हमारे जीवन की हर एक घटना जीवन के रस के लिए आवश्यक है। और ये दुनिया ड्रामा कैसी है, देखो लीलया। ड्रामा में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ड्रामा स्टेज पर चलता है, कौन सा कैरेक्टर कब एंटर करेगा इसका स्वातंत्र्य उस कैरेक्टर को होता है क्या? नहीं, वो डायरेक्टर बताता है अब तुम जाओ, वो कैरेक्टर आ गया, आने के बाद उसको क्या क्या डायलॉग बोलने हैं वो कौन निर्णय लेता है, डायरेक्टर। अच्छा, कितने समय तक रहना है स्टेज पर इसका निर्णय कौन लेता है, डायरेक्टर। जब उसको स्टेज से बाहर जाने के लिए कहते हैं तब उसको ये स्वातंत्र्य है क्या, नहीं मैं थोड़ी देर और खड़ा रहता हूं, नहीं। अब ये अपने में लगा लो, हम जब पैदा हुए तो पूछा गया था क्या आपको कबीर चौराहे पर पैदा करेंगे, नहीं। जब यहां से निकल जाना होता है तो पूछते हैं क्या, एक्सक्यूज मी यू आर बीइंग ट्रांसपोर्ट इन ए डोंकीज बॉडी, विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, पूछा है किसी ने? माने हमारा इस दुनिया में आना और दुनिया से निकल जाना, इसमें हमारा कोई भी स्वातंत्र्य नहीं है। तो जब आने जाने में स्वातंत्र्य नहीं है तो रहने में कौन सा स्वातंत्र्य है? तो हम तो उसके हाथ की कठपुतलिया है महाराज, तो कठपुतलियों को क्या करना है, जहां उठा के रखा बैठ लो, हो गया, विचार मत करो, स्टॉप थिंकिंग। ऐसी विचार की धारा शुरू हो जाती है, कौ 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 कौ, यही संसार है महाराज। खमो खाम का विचार करना ये एक रोग है, गुनगुनाते रहो, ज्यादा परेशान हो जाते हो तो संकट मोचन चले जाना, वहां 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भगवान को प्रदक्षिणा करते हुए, उससे क्या होगा, मन कहेगा अब मैं नहीं बोलूंगा, शांत हो जाएगा। देखो महाराज, पनिशमेंट दे दो, अपने आप मन शांत हो जाएगा,
इसीलिए ये सब भगवान की लीला चल रही महाराज। इसमें थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। आप भले बाय बर्थ बंगाली हो और आपको रसगुल्ला खाने को दिया, कितने खाओगे? एक समय ऐसा आता है यार बस हो गया, अभी बीच में एक कोई चटनी हो जाए, कोई समोसा हो जाए। इसी प्रकार से जीवन में सब रस की आवश्यकता है। देखो विभत्स रस, करुणा रस, प्रेम रस, सभी प्रकार के रसों की आवश्यकता है। यही जीवन है। इसीलिए महामोहांधकारेस्मिन् देवो वर्षति लीलया अस्या वृष्टे ही विरामाय। अब यह जो नाटक चल रहा है इसको यदि आपको बंद करना है, प्रबोध एक समीरण, अपने आप को पहचानो। माने जब बादल जोर से गरज रहे हैं तो उधर से यदि कसके से हवा आ गई तो हवा सब के सब बादलों को उठा के ले जाती है और वहां एकदम शांत प्रसन्नता आ गई, सूर्य का प्रकाश पड़ गया। इसी प्रकार से यह अपने मन के अंधकार में भटकने वाले हम यदि वहां प्रबोध की, अपने स्वरूप के ज्ञान की अनुभूति की हवा जब चलती है तो ये मन के बादल उठ के चले गए और वहां आनंद ही आनंद है। देखो महाराज अल्टीमेटली क्या निकला, मौज में रहो, विचार मत करो। दूसरे को भला करने का विचार सबसे बुरा है। देखो कई लोगों की यही आर्ग्यूमेंट होती है, नहीं यदि दूसरे का ऊपर उपकार करने के लिए हम कुछ करें तो पहले तो अपना सत्यानाश कर लिया। एक सज्जन की बात बताते हैं आपको, हम नाम स्थान नहीं बताएंगे। हम उतरे एयरपोर्ट पर, बेंगलोर की बात है शायद। उतरने के बाद उन्होंने स्पेशल अपनी निकाल करके परमिट विरमिट हमको लेने के लिए बेल्ट के पास आए, जहां बैग आती है। हम जानते भी नहीं उनको, इतना बड़ा हार फूलों की माला ले आए और हमको वहां चढ़ाई और स्वामी जी आप दे दो हम ले लेंगे। हमने कहा मैं आपको जानता नहीं, मैं हरे को थोड़ी दे दूंगा। हु आर यू? नहीं नहीं आप फिक्र मत करो। मैंने बोला मुझे यही फिक्र है कि कौन आके टपक गया। देखो और फिर मेरे बैग भी ले करके हम लोग बाहर निकले और चलो भाई आपको ले चलता हूँ, ये चलता हूँ। तो फिर मुझे पता चला हमारे फ्रेंड से मिल के आए और उनके गाड़ी में जाना है, हमारे फ्रेंड की गाड़ी में नहीं, हमारे साथ चलो। ठीक है हमारे साथ चलो। रास्ते में स्वामी जी आई वॉन्ट टू मार्केट यू ऑन ए इंटरनेशनल लेवल, आपके प्रवचन के लिए लाखों लोग आने चाहिए, इतना आप अच्छा बोलते हो। मैंने कईयों को मार्केट किया है, ये अपने मुरारी बापू, रमेश भाई ऐसे बोल रहे थे जैसे मूली गाजर, और आपको भी मैं मार्केट करना चाहता हूं। तो मैं सुन रहा हूं और बोले मुझे 3 दिन लगेंगे आपका सब पूरा प्लान करने के लिए। ठीक है। तो जब बैठे बात शुरू उनकी, हमने कहा मैं बोलू क्या बीच में? बोले बोलो। मैंने बोला कि आपके बच्चे, उनकी बीबिया कैसे, सब ठीक ठाक है? जो मैंने पूछा एकदम उनकी हवा निकल गई, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम। आपने ये क्यों पूछा? हमने इसीलिए कि रोग के लक्षण से रोग का निदान करना ये हम लोगों का धंधा है। एलोपैथी के लोग रोग के लक्षण रोगी से सुनते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर नाड़ी परीक्षा से रोग का निदान करते हैं, हम लोग चेहरा देख करके बताते हैं इसको क्या रोग है। तो बोले आपने क्यों पूछा? हमने कहा पूछा ही नहीं, मैं आपके यहां खाने के लिए आ रहा हूं, चलो। बोले कहने अभी चलो, मुझे शाम को आज लेक्चर है नहीं, अभी तो दिन भर पूरा पड़ा है, अभी तो 10 ही बजे है, 12-1 बजे तो खाना खाएंगे, आप ही के यहां जाके बैठे चलो। अब मैं उनको बिल्कुल धक्का मार के उनके घर ले गया
और वहां जाने के बाद असलियत सब समझ में आ गई। देखो एक ही घर, एक ही किचन, उसमें बड़ा लड़का उसकी बीबी अपना खाना बना करके चली जाती है, फिर दूसरा लड़का आता है उसकी बीबी अपना खाना बना करके चली जाती है, और ये बुढ़ाऊ फिर आती तीसरे बार, वो वहां का कचरा पड़ा है, दोनों बहुएं कचरा कर निकल जाती है, ये किचकिच करती है लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं, फिर ये अपना खाना बना करके ये दोनों बुढ़ाऊ बैठ के खा रहे हैं। हमने कहा इसीलिए आप मेरे पीछे पड़े थे, अपने घर को सुधारो, दुनिया का भला करने निकले। ये जितने भी एनजीओ ब्रांड लोग होते हैं, नॉन गॉडली पीपल, वो अपने घर में अपने जीवन में दुखी होते हैं, और इसीलिए वो दुख पब्लिक को बांटने के लिए एनजीओ खोलते हैं। ये समाज का भला करना, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं है। देखो संतो, हमको प्रश्न पूछते हैं लोग, स्वामी जी हम यदि समाज का भला करने के लिए करें तो अपने आप को धोखा दे रहे। महाराज प्रबोध एक समीर नहा, अपने स्वरूप को पहचानो। ज्ञानम दुर्दृश्य और भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवा द्वयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। आगे बताते हैं, अब ज्ञान और विज्ञान इन शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे शास्त्रों में प्रयोग होता है, तो सभी प्रकार से बता रहे हैं। कहते हैं ज्ञान किसको कहते हैं, दुर्गदृश्यो हो भानम, दुर्गदृश्य देखने वाला और देखा गया, इन दोनों को जो जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। देखो मैं माइक को जानता हूं, तो माइक को जानने वाला मैं और माइक जो मेरे द्वारा जाना गया, इन दोनों को जो जान रहा है उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानम दुर्दृश्यो हो भानम विज्ञानम च दृश्य शून्यता। विज्ञानम किसको कहते हैं, जब ज्ञान में से दृश्य पदार्थ निकाल गया तो दृश्य रहित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, जिस ज्ञान में अन्य की प्रतीति नहीं है। ये एक थंब रूल समझ लेना, जिस ज्ञान में अन्य की प्रतीति होती है वह मानसिक प्रत्यय है, वो मन का खेल है, और हम सबका सब जीवन इसी मन के माध्यम से खेल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता हमको कि हम कैसे इसके चक्कर में फंसे हैं। देखो जितना हमारा ज्ञान है केवल इमेजिनरी है, वास्तविक कुछ नहीं है। एक हमारे मित्र बंबई की बात है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, तो जब हमारा लेक्चर उसमें उन्होंने सुना कि ऑल दीज थिंग्स आर इमेजेस ओनली, डोंट बिकम सीरियस, तो वो मुझे ड्राइव कर रहे थे, बोले स्वामी जी आपने जो बताया सब कुछ इमेजिनेशन है, तो मैं आपको गाड़ी में ले जा रहा हूं, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, ये इमेजिनेशन है। हमने कहा पहले गाड़ी रोको फिर बताऊंगा। गाड़ी रोक दी, फिर मैंने कहा तुम तो आंखों के डॉक्टर हो, बोले हाँ, यानी मुझे बताओ कैसा ज्ञान होता है रूप रंग का। रूप का प्रतिबिंब हमारे आंखों के लेंस के माध्यम से रेटिना पर पड़ता है उल्टा, और फिर उस प्रतिबिंब को हमारा मन ग्रहण करता है, और वो प्रतिबिंब गृहित मन जो है वो चैतन्य के प्रकाश में नहा रहा है, तब वहां ज्ञान होता है प्रतिबिंब का, वस्तु का नहीं होता। जैसे डेंटिस्ट लोग होते हैं छोटा सा आईना मुख के अंदर डाल करके देखते हैं, वो आईने में जो देख रहे हैं वहां वो दवाई नहीं लगाते। तो हमको ज्ञान किसका हो रहा है, केवल प्रतिबिंब मात्र का हो रहा है, वस्तु का नहीं हो रहा है। और आगे चले जाओ, बल्ब और हमारा चेहरा इन दोनों के बीच में भी प्रकाश है, लेकिन वो दिखता है क्या, वो नहीं दिखता, क्योंकि प्रकाश अंधकारमय होता है। यही प्रकाश जब हमारे चेहरे पर पड़ा तो वो परावर्तित हो गया, तो आप जो देख रहे हो हमारा चेहरा नहीं देख रहे हो, उस पर पड़ा हुआ जो प्रकाश है वो देख रहे हो। देखो कितनी सूक्ष्मता है, और हमारी भ्रांति क्या है, मैंने उसको देखा मैंने उसको जाना, ये केवल मन की कल्पना मात्र है, ना तो हम कुछ देखते हैं ना तो कुछ सुनते हैं, केवल प्रतिबिंब का ही समाचार चल रहा है।
यदि प्रतिबिंब नहीं बन सका तो आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम यहां बैठे, आप हवा आपको देख रहे, यदि आपने आंखें बंद कर ली तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा आपके रेटिना पर, तो आपको हमारा ज्ञान नहीं होगा। यदि आपकी आंखें खुली है, हम अंधकार में बैठे हैं, तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा आपको ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान तो केवल प्रतिबिंबात्मक ही होता है, इसी को कहते हैं इमेजेस। तो पूरा का पूरा जीवन केवल इमेजिनरी है, वास्तविक नहीं है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अनफॉर्चुनेट हूं, मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, ये सब मन की कल्पना है। संतो त्यागो इसको, देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। लेकिन पूरा जीवन इस कल्पना के बोझों को लेकर के हमने अपने कंधे पर रखा है और फिर झुक झुक के चल रहे, क्या करें, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में आदमी झुकता क्यों है, क्योंकि ईगो का वजन इतना भारी है कि वो छोड़ ही नहीं सकते। किसका ईगो ज्यादा तगड़ा है ये समझना हो तो जो आदमी जितना अपने भूतकाल के बारे में बोलता है उसका उतना ईगो तगड़ा है। देखो छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसको अपने भूतकाल के बारे में चक्कर ही नहीं, कुछ है ही नहीं भूत। और बुढ़ाओ 78 नॉट आउट, भूत ही भूत है, भविष्य है नहीं। अब बुढ़ाओ को क्या भविष्य है, जीना यहां मरना यहां, इसके जीवा जाना का। देखो संतो यही है आनंद इस विज्ञान का। इसलिए दुर्दृश्यो भानम ज्ञानम विज्ञानम दृश्य शून्यता। दृश्य शून्यता माने हमारा मन ऐसा हो कि जो दर्पण तुल्य हो, सबको प्रतिबिंबित करे लेकिन किसी पर रिएक्शन ना करे। मन के दो पहलू है, एक वस्तु को ग्रहण करना, दूसरा वस्तु को ग्रहण करने के बाद उसके ऊपर कमेंट्री करना। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु आवश्यक है, ये वस्तु सुख का स्रोत है, ये वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूं, ये जीवन क्या जीवन है यदि वो वस्तु मुझे नहीं मिली। ये सब का सब मन से ही आता है। वस्तु को देखो और वहां रुक जाओ, कोई समस्या नहीं। देखो हम कितने लोगों को देखते हैं दुनिया में, लड़का लड़की लड़की सबको देखते हैं। हर एक लड़का हर एक लड़की के साथ प्यार में गिरता नहीं, एक बेवकूफ को देख करके सोचने लग जाता है ये लड़की इसी समय यहां क्यों आई, शायद विश्वनाथ भगवान का कोई प्लानिंग होगा। अरे यार उसको अच्छे काम है, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। जो मन में कल्पना शुरू हो जाती है और वो कल्पना फिर ऐसी मोमेंटम गैदर करती है, अब उसके सिवा दूसरा कुछ मन में आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये दृश्य शून्यता हो गई तो एकमेवा द्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, तब पता चलता है अपने सिवा अन्य और कुछ भी नहीं है, केवल मैं मात्र है। और यह मैं हर एक देह में अलग अलग नहीं है, एक ही मैं सभी में मैं करके स्फुरित हो रहा है। जैसे एक ही आदमी, मैं आदमी, मैं पुत्र, मैं पति, मैं पिता, तो एक ही जो कैपिटल आय है वही स्मॉल आय डॉट कॉम के रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयो ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानम उच्यते विज्ञानम चोभयो रैक्यम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्मनो। भगवद गीता के 13वें अध्याय में विषय आता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोध्याय। शरीर जो हमारा है प्रकृति, वो क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, इसको जो जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। और यह विज्ञानम च उभयो हो ऐक्यम, तो यह जो क्षेत्रज्ञ है कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, और जो क्षेत्र है ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो एक ही परमात्मा नाम रूप की उपाधि लेकर के वस्तु विषय दृश्य बन गया, और वही परमात्मा ज्ञान की उपाधि को लेकर के दृष्टा बन गया। देखो वही परमात्मा यहां से बैठ करके आपके सामने बोल रहा है, और वही परमात्मा हमारे माने उसी के सामने बैठ करके सो रहा, सो नहीं रहा, सुन रहा है। इट वॉज ए स्लिप ऑफ टंग।
देखो महाराज, इस परमात्मा की तरफ ध्यान रखो तो फिर सब भेद जो है तू तू मैं तू तू सब खत्म हो जाते। देखो भेद रहेंगे लेकिन भेदभाव नहीं होगा। जैसे हाथ पेट नहीं है, पेट कमर नहीं है, कमर पैर नहीं है, पैर सर नहीं है, सर इंटेस्टाइन नहीं है, अलग अलग है। लेकिन कभी ये भाव आता है क्या कि बाया हाथ मैंने यार गंदा काम करता है, मुझे तो दाहिना हाथ अच्छा लगता है? नहीं। देखो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानमुच्यते विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो। तो भेद का दर्शन करना यह संसार नहीं है। भेद के द्वारा प्रभावित होकर के भेद भाव करना यह संसार है। व्यवहार के लिए भेद होना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भेद भावना करना। देखो ये भेद भावना का उदाहरण देते हैं, दो बच्चे हैं, एक मेरा लड़का मेरा पोता कुछ तो भी है, दूसरा कोई एक अन्य बच्चा है हमारे ही फैमिली का है, लेकिन मेरा पोता मेरा लड़का नहीं है। देखो कैसा कितना व्यवहार में फर्क आ जाता है। जो मेरा पोता होगा उसको मैं हाथ से खिलाऊंगा, उसको मैं अपने गोद में बैठूंगा, दूसरा बच्चा ठीक है वहां से खा लेना, गिराना मत नीचे, बेटा खा मुझे नहीं खाना, नहीं बेटा खाना पड़ता है, क्यों ये मेरा बेटा है। आप लोग रोज घर में देखते होंगे तमाशा, कितने हम फंस जाते हैं इसमें। बच्चे तो सब एक जैसे होते हैं, उसमें अपना पराया क्या है, यही तो संसार है। इसीलिए क्षेत्र क्षेत्र में उभयो ऐक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो, सब में वही तत्व प्रकट हो रहा है। देखो इस ज्ञान का प्रभाव क्या है,
ये हमको करना नहीं पड़ेगा, ये होगा। देखो जैसे जैसे ज्ञान परिपक्व होता है वैसे वैसे साधना होती है, करनी नहीं पड़ती। उदाहरण दो आपको, हमारी आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है। कारण क्या है? हमारी आंखें किसी भी रूप रंग के प्रति आसक्त नहीं है। हमारे कान सभी शब्दों को प्रकाशित करते हैं, चाहे भगवान का नाम हो चाहे गधे का चिल्लाना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कानों को। मन सभी वृत्तियों को आधार देता है, अच्छे विचार दुर्विचार। देखो संतो, इसी प्रकार से सभी इंद्रियों में एक ही मन प्रकट हो रहा है। वही मन आंखों से निकलता है तो दृष्टि कहते हैं, कानों से निकलता है तो श्रवण शक्ति कहते हैं। ध्यान से सुनना, हम जब मन के स्तर पर आ जाते हैं तो मन के दृष्टि से देखो तो मन ये कहेगा क्या कि मुझे आंखें अच्छी लगती है कान अच्छी नहीं लगती? मन के लिए सभी इंद्रिय समान है, मन को कुछ साधना नहीं करनी पड़ेगी। देखो, और जो मन से ऊपर उठ गया, उन मनी अवस्था अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया है, तो जो चैतन्य के रूप से जी रहा है उसके लिए ये मेरा ये पराया, ये जो मन के दोष है, ये चैतन्य में निवास करने वाले के लिए नहीं होते। देखो भगवान के यही शब्द है भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनिच स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञान की परिभाषा यही है, सबके प्रति समत्व होवे। लेकिन हम अपना मेरा मेरा तेरा तेरा शुरू करते हैं और संसार शुरू हो जाता है। अच्छा महाराज, परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधि द्वय वर्जितम। आगे कहते हमने शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा जाना सुना, तो हमने शास्त्र के दृष्टि से अध्ययन से जो प्राप्त किया है उसको ज्ञान कहते हैं। और केवल हमने ज्ञान प्राप्त करके पब्लिक को लेक्चर ही देना, ये है क्या? देखो कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि ये बाबा ये लोगों का भला करने के लिए प्रवचन करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं। देखो महाराज, हमारे तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, स्वांत सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा। ये भगवान राम के चरित्र का प्रचार करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस नहीं लिखा है। देखो वेदांत का प्रचार करने के लिए वेदांत के प्रवचन नहीं होते, लोगों का भला होवे इसके लिए भी नहीं होते, अपना भला हो। जिसने अपना भला नहीं किया दूसरे का क्या भला करेगा? इसीलिए कहते हैं तज्ज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम च आत्मदर्शनम। तो पहले श्रवण करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उस ज्ञान को जब अनुभूति में लाया तब उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञानम च आत्मदर्शनम। और क्या है अपने स्वरूप का दर्शन? आत्मनो ब्रह्मणः सम्यक उपाधि द्वय वर्जितम। तो एक ही परमात्मा पंचकोशों की उपाधि से जीव कहा गया, वही परमात्मा माया के उपाधि से ईश्वर कहा गया और नाम रूप की उपाधि से जगत कहा गया। तो ये दो प्रकार की उपाधियों का त्याग हो गया, अपने पंचकोशों की उपाधि का त्याग हो गया और ईश्वर के माया की उपाधि का त्याग करना माने उसके प्रति समर्पित हो जाना। देखो महाराज, हमने उदाहरण आपको दिया है ना, हम अपना शर्ट निकाल सकते हैं किसी अन्य का नहीं, हम अपने आप को पंचकोशों से अलग कर सकते हैं, परमात्मा को माया से अलग नहीं कर सकते। समुद्र लहर बन सकता है, लहर समुद्र कभी नहीं बनती, तो फिर क्या करना है? सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। मेरी जो दैवी माया है बड़ी कठिन है उसको पार करके जाना। तो क्या करना है?
कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ति, जो मेरी शरण में आता है उसी को मेरी माया परेशान नहीं करती। यही तत्वमसी महावाक्य का सूक्ष्मार्थ है। त्वम पद का शोधन माने पंचकोशों से निवृत्त होना, तत्पद का शोधन माने परमात्मा के प्रति समर्पित होना। ये दो बातें जब हो जाती है तब उपाधि द्वय वर्जितम, तो ये जो दो प्रकार की उपाधियां है इन दोनों उपाधियों का त्याग हो करके अपना स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोरैक्य बोधस्तु ज्ञान विज्ञान संयकम। त्वम अर्थ विषय ज्ञानम, तत्वमसी महावाक्य में तीन शब्द है, तत् त्वम असि। तत् माने वो, त्वम माने आप, असि माने हो, आप वो हो, यू आर दैट। तो त्वम माने क्या, विषय ज्ञानम, जिसको जिसको हम विषय रूप से ग्रहण कर सकते हैं उसको कहते त्वम। अब देखो त्वम माने अन्य की प्रतीति को त्वम कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तुम का अर्थ ग्रामर में तुम होगा। तो जो जो विषयों का ज्ञान है वो त्वम पद है, और तत्पदाश्रम विज्ञानम, और जो उस परमात्मा तत्व को लखाता है उसको विज्ञान कहते हैं। और दोनों का जो ऐक्य है, जो विषय के रूप में प्रकट हो रहा है और जो विषयी के रूप में विषयों को ग्रहण कर रहा है, यह भोक्ता और भोग्य, यह दृष्टा और दृश्य, ये दोनों एक ही है। देखो एक ही आदमी पिता की उपाधि से पुत्र बना और अपने पुत्र की उपाधि से पिता बना, एक ही आदमी दोनों है, पिता भी है पुत्र भी है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा यदि नाम रूप की उपाधि को धारण करता है उसको जगत कहेंगे दृश्य पदार्थ, और वही परमात्मा जब दृष्टा के उपाधि को धारण करते हैं तब उसको कहते हैं परमात्मा। तो दोनों एक ही है, ज्ञान विज्ञान संयकम। आत्मानात्म विवेकस्तु ज्ञानम आहुर्मनीषिणः अज्ञानम चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। अब ज्ञान किसको कहते हैं, आत्मा अनात्मा विवेक, इसको ज्ञानी लोग ज्ञान कहते हैं। हम लोगों ने देखा है इसी ग्रंथ में आत्मा अनात्म विवेकेना ज्ञानम भवति निर्मलम। तो आत्मा अनात्मा का विवेक करना है, न त्वं देहो न इंद्रियाणि न प्राणो न मनो नधि विकारित्वान् विनाशित्वान् दृश्यत्वाच्च घटो यथा। जिसको जिसको हम अपने से अन्य के रूप में जानते हैं, जिसमें विकार होते हैं, जिसका नाश होता है, वह वस्तु है, विषय है, वही इसी को कहते हैं यहाँ। यह ज्ञान है जो आत्मा अनात्मा का विवेक करता है। और अज्ञानम च अन्यथा लोके, और अज्ञानम दुनिया में उसको कहते हैं कि जो उल्टा ज्ञान है, अन्यथा ज्ञानम, माने है तो रस्सी लेकिन लगता है सांप, है तो एक खंबा लेकिन लगता है कोई चोर है, इस प्रकार से जो नहीं है उसकी प्रतीति उसको कहते हैं अज्ञानम अन्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम जगत। और जिसको विज्ञान हो गया, विज्ञान का तात्पर्य है एक ही परमात्मा सब में व्याप्त है और कुछ नहीं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकं प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र एकं प्रपश्यति, हमने जाना है इसको अन्वय व्यतिरेक को। अन्वय माने सुवर्ण का सभी आभूषणों में होना, ये सुवर्ण का आभूषणों में अन्वय है। लेकिन सुवर्ण में आभूषणों का होना आवश्यक नहीं, बिना आभूषण बन के भी सुवर्ण रह सकता है। तो ये आभूषणों का सुवर्ण में नहीं होना इसको व्यतिरेक कहते हैं। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, हमारे कारण दुनिया है तो हमारा दुनिया में अन्वय है, लेकिन हम बिना दुनिया के भी रहते हैं। देखो गहरी नींद में कहां गई दुनिया, लेकिन हम जोंके त्यों हैं। यदि मैं नहीं तो जागृत पुरुष नहीं, यदि जागृत पुरुष नहीं तो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप नहीं, लेकिन यदि पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ना हो तो भी मैं रहता हूं। यह जो अपना स्वरूप है
इसको हमको पहचानना है, इसी को कहते हैं यत्तु वृत्तिजम ज्ञानम। तो हमने थियोरेटिकली समझ लिया है और विज्ञानम ज्ञान मात्रकम, और जो विज्ञान है इसका मतलब है यह केवल शब्द मात्र नहीं, कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अपना अनुभव है। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम चोभयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, जो अज्ञान को नष्ट कर देता है उसको ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान क्या है, जो ज्ञान अज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है। इसको ठीक से समझ लेना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती अज्ञान, मुझे अंग्रेजी नहीं आती ये मुझे मालूम है ज्ञान, तो दोनों हो गए। तो ये दोनों का जो निराकरण करता है या दोनों को जो प्रकाशित करता है वह है विज्ञान। तो अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, तो मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं तो क्या करूंगा मैं जाऊंगा एक इंस्टीट्यूशन में, वहां लिखा होता है हमारे यहां 15 दिन में अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, ये हिंदी में लिखा होता है, और उसके पश्चात वहां सिखाना शुरू करते हैं। हाँ, पहले इस स्पेलिंग सुनो और शुद्ध अंग्रेजी वहां सिखाना शुरू कर देते हैं। तो हम गए वहां अंग्रेजी सीख ली, तो उसके द्वारा अंग्रेजी का जो अज्ञान था वो ध्वंस हो गया, वो नष्ट हो गया। तो ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है, लेकिन विज्ञान क्या है, ध्यान से सुनना, विज्ञान ज्ञान और अज्ञान दोनों का विरोधी नहीं है। ध्यान से सुनना संतो, आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य निर्विरोध सत्ता, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, जो जैसा है परफेक्ट है। आपकी समाधि लग गई, क्या ये सत्य नहीं है? आंखों का काले रंग से विरोध नहीं है, लाल रंग के प्रति आकर्षण नहीं है, सबको निर्विरोध प्रकाशित करते हैं। शुद्ध चैतन्य जो हम है, जागृत को भी प्रकाशित करते हैं, स्वप्न को भी, सुषुप्ति को भी, समाधि को भी, किसी का विरोध नहीं है। जीवन में जब विरोध करना बंद हो जाता है तब हम अपने स्वरूप के पास है। यह जो निर्विरोध सत्ता है वो अपना स्वरूप है, और हमारा पूरा जीवन विरोध से भरा हुआ है। तू तू मैं तुमने किया मैं क्यों नहीं करूं, ये जो ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं ना इनमें चक्कर चलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात है, पति पत्नी दोनों ही पति वहीं रहते थे, पत्नी शादी होके वहां गए, पति चार्टर्ड अकाउंटेंट, पत्नी भी उसी फील्ड की थी। अब वो बेचारा, उसको पत्नी को तो जॉब नहीं मिला था, तो पति तो दिन भर अपना शाम को घर में आता है, तो तुमने वहां ऑफिस में काम किया, मैंने भी तो घर का काम किया है, मैं थोड़ी बैठी रही, घर की साफ सफाई करना ये भी तो काम ही है, यहां नौकर कहां मिलते हैं, सब मैं करती हूं, तो मैंने खाना बनाया है, बर्तन तुम धो, मैं नहीं दूंगी। और हमारे सामने जब हो रहा था ये, उसने कहा कि लेकिन बर्तन धोने का क्या है, वहां तो डिश वॉशर में ही तो रखना है, फिर तुम रखो ना, मुझे क्यों बता रहे हो। दोनों का तू तू मैं शुरू हो गया, तो मैं शांति से उठा, बर्तन धोना शुरू कर दिया। मैंने, स्वामी जी आप क्यों धो रहे हो, हमने कहा ओम शांति शांति शांति। ये कोई जीवन है? सेवा करने का मौका भाग्यवान लोगों को मिलता है। देखो, लेकिन हमारा तू तू मैं का इतना चलता है, इसी में फंस जाते हैं। तो अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम चो भयात्मकम, किसी से कोई विरोध ना करे, परमात्मा का किसी से विरोध नहीं है। जितना परमात्मा ने राम को आधार दिया उतना ही रावण को दिया है,
जितना परमात्मा रोगी को आधार देते है उतना डॉक्टरों को भी आधार देते है। जो परमात्मा ने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए है, वो किसी का विरोधी नहीं है। यह जो निर्विरोध सत्ता है वह परमात्मा है। अब देखो अपने जीवन में हमको किसी से कोई विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। आपका मन शांत रहेगा। हम सिर्फ तबला पेटी ब्रांड वाले हैं ना, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही है, लेकिन मेरी सांस को थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो हमारे उद्धार के लिए जैसी जैसी परिस्थिति आवश्यक है वैसी ही परिस्थिति प्रभु हमको देते हैं, और उस परिस्थिति में कैसा हमको इंटरैक्ट करना है ये समझने के लिए सत्संग को जाना पड़ता है। देखो हमारे लिए महात्मा जी माने क्या, उनके पैर को अपने गंदे हाथ पोछ लो और कहो कि आपके हाथ हमारे माथे पर रखो और आशीर्वाद दो, और फिर हाथ को डेटॉल से धोना पड़ता है। ये नहीं महात्मा का धंधा। सत्संग सुनो, अपने विचारों को ठीक करो, और तब पता चलेगा आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, फिर हम ही अपने दुश्मन है और हम ही अपने दोस्त है। विचारों को ठीक करो संतो, यही साधना है। अच्छा, ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम। जब हम इस प्रकार से निर्विरोध जीवन जीना शुरू कर देते हैं तब तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठा होने के लिए अचल पड़े हैं। अब देखो कितनी सहज बात है, आकाश ले लो, आकाश किसी भी आकार का विरोध नहीं करता। चाहे उसमें गोल आकार बना लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तिकोना बना लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, स्क्वायर बना लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीधी लाइन खींचो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पानी को किसी भी बर्तन में डालो, परात में डालो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, टेस्ट ट्यूब में डालो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कैपिलरी ट्यूब में डालो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखो परमात्मा तत्व निर्विरोध है, जगत के वस्तु, वस्तु को ग्रहण करने वाली इंद्रिया, इंद्रियों की ओरिजिन मन, और मन जिसकी अभिव्यक्ति है चैतन्य, ये सभी के सभी निर्विरोध है। विरोध करना यह अध्यात्म नहीं है। ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सद ब्रह्मणि चार्पणम। देह आगे कहते हैं, भोक्ता सत्व गुण शुद्धः भोगानां साधनं रजः भोग्यं तमो गुणं प्राहु आत्मा चैषां प्रकाशकः। जो भोक्ता है वह ज्ञान प्रधान होता है सत्व गुण से, और जो भोग का साधन है इंद्रिय इत्यादि वो रजोगुण का कार्य है, और जो भोग्य वस्तु है वो तमोगुण का कार्य है, और जो आत्मा हम है यह इन तीनों को प्रकाशित करते हैं। जैसे ये माया, ये माइक जो है यह तमोगुण का कार्य, इसको जानने वाला मैं सत्वगुण, और मैं बोल रहा हूं ये रजोगुण, ये तीनों के तीनों केवल माया के क्षेत्र में है, और इनका प्रकाशक मैं इन सबसे अलग हूं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सबका सब प्रकृति में हो रहा है, और हमको कहां से अभिमान आ जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। हम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, केवल प्रकाशित करो और मौज में रहो। अब आखिरी के चार पांच श्लोक में आपके ये जो चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इसकी असली परिभाषा बताते हैं। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, ब्रह्माध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्यरतः सदा सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। जो ब्रह्म अध्ययन संयुक्तः, जो शास्त्रों के अध्ययन में लगा हुआ है, शास्त्रों के अध्ययन में लगना होगा तो ब्रह्मचर्य रत सदा, दुनिया के भोग से उपरत होना पड़ेगा, और इसका परिणाम क्या होगा, सर्वम ब्रह्मेति यो वेद, फिर उसका अनुभव ये होगा सब परमात्मा मात्र है। ऐसा जो सबको परमात्मा स्वरूप से पहचानता है वही असली ब्रह्मचारी है, बाकी के नहीं। गृहस्थ कौन है,
गृहस्थो गुणमध्यस्थः शरीरं गृहमुच्यते गुणा कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। गृहस्थ माने जो घर में रहने वाला है वो गृहस्थ, और गृह क्या है, शरीरम गृहमुच्यते माने जो देहात्म भाव से जी रहा है वो गृहस्थ है। गृहस्थ का तात्पर्य ये नहीं कि पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, नहीं, जो देहात्म भाव से जी रहा है वो गृहस्थ है, फिर चाहे कुछ भी हो। और गुणा कर्वंती कुर्वंती कर्माणि, और उस गृहस्थ का यदि ये ज्ञान हो, ये सभी के सभी कर्म केवल प्रकृति के तीन गुणों में हो रहे हैं और मैं करता नहीं हूं, ऐसा जो गृहस्थ है देह में रहते हुए भी देहाभिमान से मुक्त होकर के जो जी रहा है वही बुद्धिमान गृहस्थ है, बाकी के गृहस्थ केवल रोने वाले हैं। महात्मा होकर के नहीं सोया और गृहस्थ होकर के नहीं रोया तो क्या किया? देखो महाराज, 24 घंटे कहे, कई बार तो मुझे ऐसे लगता है, पहले पहले जब मैं अपने प्रोफेशन में नया था ना, तो ये गृहस्थों के दुखड़े लेकर के मैं बड़ा उसके ऊपर में सिंसियरली बताता था, ऐसे करो वैसे करो ये करो। फिर एक दिन मुझे महाज्ञान हो गया, ये सब के सब मुझे बेवकूफ बना रहे। उस दिन के पश्चात जब कोई भी अपने घर की समस्या लेके आता है तो मैं उसको थ्रूट से निकाल देता हूं। उनका कहने का क्या होता है कि बताइए स्वामी जी कौन ठीक है। एक को मैंने बताया था, देखो मुझे मेरे से बात करने के लिए कौन आया है, तुम आए हो कि तुम्हारी पत्नी आई है? स्वामी जी मैं आया हूं। तो कौन सुनेगा, तुम सुनोगे कि पत्नी सुनेगी? मैं सुनूंगा। तो तुम सुन कहां रहे हो, तुम तो चाहते हो मेरी पत्नी ऐसी कहे ऐसी करे मैं उसको बताऊं। वो कौन है जो सुनना नहीं चाहती? देखो महाराज, इनका यही होता है कि बाबा जी कोई जादू कर दे, ये जादू टोना वाले दूसरे जगह चले जाओ, फिर स्मशान में चले जाओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस आने का चक्कर ले। इसीलिए बुद्धिमान गृहस्थ वही है, हमको देह में रहना है संसार में रहना है लेकिन दुखी नहीं होना, ऐसे ही चलता रहेगा। ये जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिनमें सुख दुख नहीं होते। किमु गुरैश्च तपोभिश्च यस्य ध्यानमयं तपः हर्षामर्षभिर्मुक्तः वानप्रस्थस्य उच्यते। वानप्रस्थ कौन है? वानप्रस्थ माने जिन्होंने वीआरएस ली है। वीआरएस पता है ना, वीआरएस माने वायरस, वो व्हाट्सएप की या एसएमएस की जो भाषा है ना, उसमें वी आई आर यू एस ऐसा नहीं लिखते, वी आर एस माने वायरस, कम सी एम कम। तो ये वी आर एस एक वायरस है, माने जो रिटायर हो गए हैं। रिटायर का अर्थ क्या है, इवन गवर्नमेंट इज रियली टायर्ड ऑफ यू रिटायर्ड। किसी व्यक्ति से जब गवर्नमेंट भी टायर्ड हो जाती है तो वो आदमी कितना घटिया होगा, गवर्नमेंट टायर्ड हो गई। तो वानप्रस्थी माने अब जिन्होंने अपना जीवन सफिशिएंटली बर्बाद कर लिया, अब अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करने में लग गए, वो वानप्रस्थी। हटो, बच्चों के जीवन में ज्यादा दखल मत लो। फिर क्या करे वानप्रस्थ माने, वन में प्रस्थान करने की तैयारी। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, हमारे जीवन का आखिरी आश्रम संन्यासाश्रम है। तो संन्यासाश्रम में जाने के पहले तैयारी करो, इसीलिए वानप्रस्थ माने वन में प्रस्थान करने की तैयारी करने का समय। तो क्या तैयारी करनी है, जब गृहस्थ है तो 24 घंटे उस पुअर बीबी का सर खाते हैं, मेरा टॉवेल कहाँ है, टूथब्रश कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है और मेरा चश्मा कहाँ है। अरे बिचारी ये माताएं परेशान हो जाती इन बुढ़ाओं के कारण, हर चीज हाथ में चाहिए। वानप्रस्थ में आ गए, अब किसी से कोई सेवा नहीं लेनी,
नियम कर लो, अपना काम स्वयं करो, कुछ भी काम किसी से नहीं लेना, तब व्यक्ति में धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो हमने एक कई जगह देखा है, एक विशेष उदाहरण देते आपको। एक हमारे मित्र थे, दोनों नहीं रहे अभी, पति पत्नी। उनके पत्नी को दुनिया के सब रोग थे, वो मोबाइल डिसीज डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल थी, कहीं भी जाओ कोई भी रोग को उसको है। और उनकी पर्स में इतने सारे दवाइयां, तो जहां भी बैठती थी वो फिर पर्स खोल करके सब दुनिया भर की दवाइयां खोली और आराम से खाती थी, मस्त प्रसन्न, कभी उसको दुख नहीं, कभी कंप्लेन नहीं। और उनके पति हेल्दी, हमेशा उसके मजाक उड़ाते थे, बोले हमारी पत्नी खाना नहीं खाती, दवाई से ही पेट भर जाता है, ऐसा देखो। और वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी। और सुबह उठ करके वो उनको चाय बना के देती थी और फिर अपनी चाय पी के लेट जाती, दोनों उड़ाऊ 70-80 के करीब। तो उनकी पत्नी एक दिन सुबह उठ को चाय दिया, वो अपना चाय लेके अपने कमरे में गई और बैठी और मर गई। अब ये हमेशा के चले चिल्लाने लग गए, हाँ मेरे चाय हो गया, ले जाओ, देखो पानी गर्म हो गया, क्या लाना है। अब जवाब ही नहीं आ रहा, 5 मिनट 10 मिनट, क्या हो गई, मर गई क्या, उठो ना। और वो जवाब ही नहीं। अब ये उठ के बुढ़ाऊ गए, देखा है वो मरी पड़ी है। एकदम उसके बाद 8 साल वो जिंदा रहे, एक ही मंत्र उनका चलता रहा। सुबह उठी हो हमेशा की तरह, मुझे चाय दिया, अपने कमरे में गई, चाय पिया, फिर उठी नहीं, मैं चिल्लाता रहा। ये मंत्र उन्होंने 8 साल तक किया, 8 साल एकदम ब्लैंक। कारण क्या है, हमेशा हर चीज के लिए उस पत्नी पर अवलंबित रहना। जिस पति पत्नी में पत्नी मर जाती है वो आदमी एकदम नाकाम हो जाता है, ही कैन डू नथिंग, ही इज अ बर्डन टू द होल फैमिली। और जिस घर में पति पहले मर जाता है और बुढ़ाऊ अम्मा रहती है, वो अपने को तो संभालती ही है, पूरे संसार को, घर को संभालती है। देखो संतो, ये वानप्रस्थ आश्रम का ये तात्पर्य है, अपने आप को लोगों से सेवा लेने से मुक्त करो। और इसीलिए वानप्रस्थ में जो साधना है, तपस्या की साधना होती है। एक बार खाना खाना, ठंडे पानी से नहाना, भगवान का नाम लेना, जप करना, कभी कोई अनुष्ठान करना, गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं या तो भागवत का पूरा पाठ करना है, ऐसा करने से धीरे धीरे मन दुनिया से हट करके प्रभु चरणों में लग जाता है। ये वानप्रस्थ का जीवन है। तो कहते हैं किमु क्लेश्च तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः, ये इतनी कठिन तपस्या करने के स्थान पर समझदारी से जियो, यह सबसे बड़ी तपस्या है। और कौन सी समझदारी है, हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तः, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, एंड हैव टॉलरेंस। बुढ़ापे में हम कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते, हमारे समय का जो समय था और आज का जो समय है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम चाहते जब हम थे छोटे तब ऐसे होता था, अभी वैसे नहीं होगा। हमारा अनुभव हमारे बच्चे लेते नहीं, तुम्हारा अनुभव इस समय में आउटडेटेड है। देखो संतो, जगत को हमको सहना पड़ता है, सहना ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या केवल सहनात्मक ही होती है, इसीलिए तपस्या करने वाले लोग क्या करते हैं, जंगल में जाएंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे जाड़े के दिनों में, माने अपने आप को कष्ट देना तपस्या है। अब आपको कष्ट लेने के लिए दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, घर में होममेड कष्ट है। देखो कुछ बात बच्चों से बात करो, बेटा तुम सुबह जल्दी नहीं उठे, दादाजी आपको क्या होता है, दिन भर सोते रहते हो, मैं रात को 2 बजे तक सो रहा, पढ़ाई कर रहा था, कैसे जल्दी उठू। देखो स्वामी जी आजकल के बच्चे कैसे उल्टा जवाब देते, अब तुमको उनके जीवन में दखल देने की क्या जरूरत थी। हम आपको चैलेंज करते हैं, आज के जमाने में जो पढ़ाई हो रही है उसको यदि हम पढ़े तो हम फेल हो जाएंगे।
कितना उन पर प्रेशर है ये तो हम नहीं समझते, और अपने घर का दादा का प्रेशर और डाल देते उनके सर पर। इसीलिए तपस्या यही है, अपने आप को अब बहुत हो गया दुनिया का धंधा, विड्रॉ करो और अपने आगे जाने की तैयारी करो। और उसके पश्चात आता है सन्यास। ध्यान से सुनना, सन्यासी के बारे में बोलने का अधिकार गृहस्थ को वानप्रस्थ को नहीं है। ये बात हमने एक मारवाड़ी अम्मा से सीखी, बहुत पुरानी बात है। राजस्थान में हम जा रहे थे एक कार में बैठ करके, हम और अम्मा पीछे बैठे थे, ड्राइवर सामने बैठ रहा था, चला रहा था। तो किसी पेड़ के नीचे, छोटा सा पेड़ था, वहां एक चाय की दुकान थी और वहां दो चार ये बैरागी बाबा बीड़ी फूक रहे थे, ऐसा चाय पी रहे थे। और हम लोगों की गाड़ी जब गई तो जो हमारी मारवाड़ी अम्मा थी, टिपिकल मारवाड़ी का नमस्कार ऐसा होता है, माने वो भुजंगासन ऐसा नहीं, तो उन्होंने ऐसा किया। हमने कहा अम्मा किसको नमस्कार कर रही हो, ये बीड़ी फूकने वाली है काहे के बाबा जी है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उस दिन से मेरी दृष्टि बदल गई। बोले स्वामी जी वो कौन है इससे मुझे क्या मतलब पड़ता है, मुझे तो उनके गेरवे कपड़े देख करके झुकने का एक मौका मिल गया। देखो कितनी बड़ी बात है। नॉर्मली क्या होता है, जो लोग आश्रमों में रहते हैं, ये तीर्थ क्षेत्रों में रहते हैं, उनके मन में साधु संतों के प्रति आदर नहीं रहता। मालूम है ये लाल कपड़े पहनने वाले क्या होते हैं, इसके द्वारा उनका बुरा नहीं होता, अपना मन खराब हो जाता है। इसीलिए यहां जो बताया जा रहा है, ये इसका उपयोग ग्रस्त होने के बाद साधु संतों पर मत करना। कहते हैं देहान्यासो हि संन्यासः नैव काशाय वाससः। देहात्म भाव का त्याग करके जीना उसी को संन्यास कहते हैं। नैव काशाय वाससः, लाल पीले कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं बनता। आगे कहते नाहम देहो महात्मेति, मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूं। इस प्रकार से निश्चयो ज्ञान लक्षणम, इस निष्ठा में जो जी रहा है वो असल में सन्यासी है, बाकी के केवल टेलर मेड सन्यासी है। इस प्रकार से इस ग्रंथ का अब फलश्रुति बताते हैं, सदाचार मिमम नित्यम ये नु संधते बुधा संसार सागरा शीघ्रम मुच्यन्ते नात्र संशयः। इस प्रकार से जो समझदार लोग इस सदाचार ग्रंथ का नित्य निरंतर अनुसंधान करते रहते हैं, वे इस संसार सागर से शीघ्र ही तैर के चले जाते हैं, माने वो संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं रहेंगे, उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद, वो एक आनंद के स्रोत बन जाएंगे, उनके माध्यम से आनंद प्रकट होगा, यही जीवन की परिपूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।